अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक से होंगे। और इधर हम रेडी शेडी हो गए थे। किस लिए रेडी शेडी हुए थे? ये व्लॉग है इलेक्शन डे का, तो हम भी वोट डालने जा रहे हैं। और इधर मैं और मामा भी रेडी हो गई हैं। हम लोगों ने कहा सुबह सुबह सबसे पहले वोट डाल लेते हैं, उसके बाद आके करते हैं। आपको मैं रास्ते में दिखाती हूँ। और इधर सबसे पहले रश इतना ज़्यादा था। सबसे पहले हम लोग कहाँ आए थे? सबसे पहले हम लोगों ने मामा का डलवाया था वोट, क्योंकि मेरा एक साइड था, मामा का एक साइड था। मामा का बहुत दूर आया था और मेरा घर के बहुत करीब आया, तो हम लोगों ने कहा पहले मामा का हम डलवा देते, दूर वाला फिर नज़दीक वाला। चलें वोट डालते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और ये था मामा का पोलिंग स्टेशन, देख सकते होंगे मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। और इधर मैं अपने भी पोलिंग स्टेशन में आ गई थी और मैंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया था। और रश बेसिकली इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने किसे वोट डाला ये तो आप गेस करें, मैंने किसे वोट डाला। चलें ये मैं हूँ, और चलते हैं हम घर को। फिर घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं वोट का निशान, क्योंकि मेरा पहला लाइफ का वोट था और मैंने डाल दिया। चलें घर जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और इधर नेटवर्क शेटवर्क तो आए नहीं कुछ रहे थे, तो इधर मामू के घर दावत थी और मैं रेडी हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा चले नेटवर्क तो आए नहीं रहे, वाईफाई तो चल रहा है, चले मामू घर चलते हैं। और मैं रेडी हो गई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लग रही थी। चले चलते हैं और मैं आप लोगों से मिलती हूँ रास्ते में। और इधर हम पहुंच गए थे मामू के घर। चले ऊपर चलते हैं मामू के घर और आपको दिखाती हूँ। और इधर हम सब बैठे हुए थे, सारे बातें वगैरह कर रही थी, क्योंकि हमारी दावत हाला लोग सब इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया। इधर तो सारे बातें कर रहे थे और मामी ने क्या क्या बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर हम लोग पैरट्स वगैरह देख रहे थे। मामी के घर दो पैरट्स थे, तो सामने इनका था घर और स्विमिंग पूल था, तो बहुत अच्छा लग रहा था घर देखने में सामने वाला। तो ये पैरट्स हैं जो रखे हुए थे। और मेरे हाथ में थी मेरी भांजी, मेरी काकी से माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। और इधर दूसरे कज़न्स वगैरह भी आ गए, कंप्लीट सारे कज़न्स इधर सब आ गए थे, तो मामी ने खाना भी लगाना स्टार्ट कर दिया था। और खाने में क्या था? खाने में था सबसे पहले हलीम शामी कबाब, सीख कबाब, चिकन कढ़ाई और पकौड़ियाँ। और मेन क्या था? और इधर एक चीज़ नहीं है, वो आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो मेन चीज़ थी बिरयानी, जो मेरी मामी बहुत अच्छी बनाती है। बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, अभी भी मुँह में पानी आ रहा है और वॉइस ओवर करते करते भी। और इधर मेरी प्लेट रेडी हो गई, बिरयानी मैंने थोड़ी सी ली और सीख कबाब ली। और बिरयानी तो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी, सारा कुछ बहुत अच्छा बना था। और इधर मामा खा रही थी हलीम नान, मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो शीडियो बना लेते हैं मम्मा की भी। हम मैंने तो खा लिया अपना खाना। फिर हम लोगों ने खाई यम्मी यम्मी पकौड़ियाँ, और पकौड़ियाँ भी बहुत टेस्टी थी। और हम लोगों ने फिर चम्मच से अच्छे अच्छे इंजॉय करके खाई, इसमें आलू भी थी, पकौड़ियाँ और मैं थी। चलें हम खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और फिर पारी आ गई थी मीठे की। मीठे में क्या बनाया था? मीठे में मामी ने गुलाब जामुन बनाए थे, ये भी मामी ने खुद बनाए थे घर में, और बहुत टेस्टी गुलाब जामुन थे, जैसे बाज़ार से सेम ही वैसे थे। और इधर हम घर आ गए थे, रात के 10:45 हो गए थे, थक कितने गए थे, तो मैंने कहा मुझे ठंडी ठंडी कोका कोला पिलाएं। मुझे पता है आप लोग कमेंट करेंगे नहीं पीनी चाहिए, पर क्या करें, आदत लगी हुई। पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।